इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब घूम रहा है। यहाँ घूमने का मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों, अदर ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, लेकिन जो अपनी एक्सिस में जो रोटेशन होता है वो जानने वाली बात है, क्योंकि वहाँ कई सारे फिनोमिना वर्क करते हैं। और ऐसा ही ब्लैक होल के साथ भी होता है, क्योंकि ब्लैक होल कहीं मूव नहीं करता बल्कि अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है। तो दोस्तों, जानने वाली बात ये है कि आखिरकार एक्सिस में ब्लैक होल के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिरकार नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ अपनी एक्सिस में घूमने के कारण उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में एक लिमिट सेट है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे इतना ही तेजी से रोटेट कर सकता है, और वो लिमिट साइंटिस्ट के मुताबिक 0 से 1 तक है। और इन्हीं के बीच वो कैटेगराइज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इससे कम नहीं जाना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जो कम गया, मतलब वो 0 से नीचे गया, तो उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन 0 से नीचे जाने पर वो अपने में कोलैप्स कर जाएगा और ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, और जो सेकेंडरी फोर्स जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं वो कम हो जाएगी। और अगर जो इसका रोटेशन बहुत ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण उसका कोर ब्लास्ट कर जाएगा और वो चिथड़ों में बढ़ जाएगा, मतलब उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मरना तय है, लेकिन अगर इस लिमिट के अंदर रहता है तो वो बच जाएगा और वो परफेक्ट शेप में रहेगा। तो हमने देखा है इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट एक अपना यूनिक शेप रखता है, और ऑन एवरेज हर एक ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल शेप होता है। और वहीं देखा जाए कि ब्लैक होल के साथ क्या होता है अपनी एक्सिस पे घूमने पर, तो दोस्तों, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ना कि स्पेस टाइम घूम रहा है। लेकिन ब्लैक होल नॉर्मल मैटर से बना हुआ नहीं है, वो डिफरेंट मैटर से बना हुआ है, और उसके अंदर क्या है हम भी नहीं जानते। उसके लिए स्पेस टाइम मूव करता है और उसका रोटेशन उसके लिए मायने रखता है, और जो रोटेशन की लिमिट कंसीडर की जाती है वो स्पेस टाइम की रोटेशन की लिमिट कंसीडर की जाती है, ना कि ब्लैक होल के रोटेशन की। क्योंकि ब्लैक होल की जो रोटेशन बाउंड्री होती है, जैसे इवेंट होराइजन, वो हमें वर्चुअल हमने बनाई है, ना कि उसमें कोई ठोस बाउंड्री है जिससे हम कंसीडर कर सके इससे आगे नहीं जा रहा है, कि इसकी लिमिट चालू हो जाएगी और यहां से ये रोटेशन चालू है इसका। तो दोस्तों, उसके लिए स्पेस टाइम मूव कर रहा है, ना कि रोटेशन ऑफ ब्लैक होल। दोस्तों, इसीलिए लिमिट हमने स्पेस टाइम पे लगाई, और इस पूरे फिनोमिना को फ्रेम ड्रैगिंग के नाम से जाना जाता है। और इन सब फिनोमिना को जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ मेन मुद्दे की बात, क्योंकि हाल ही में ही नेचर जर्नल में छपा हुआ एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया था कि जो सजिटेरियस ए है, जो हमारे मिल्की वे के सेंटर में रहने वाला ब्लैक होल है, उसका रोटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और उसका रोटेशन की वैल्यू है 0.97। तो आप इस वैल्यू को देख के ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू 1 तक पहुंच जाती है तो इस ब्लैक होल का क्या होगा वो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा और इसका ग्रेविटेशनल पुल बेहद ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमने जो आइडल स्टडी की है, जो M87, जो कि शांत स्वभाव का एक ब्लैक होल है, उसकी वैल्यू को देखा जाए तो उसकी 0.91 वैल्यू होती है जो अपर साइड की है, लेकिन लोअर साइड की है 0.87। दोस्तों, ऐसी वैल्यू है उसकी, लेकिन वो बेहद ज्यादा शांत है, तो हमने इसी वैल्यू को कंसीडर करके उसको आइडल वैल्यू मान लिया है। लेकिन हमारे जो ब्लैक होल की वैल्यू है वो 0.97 जा रही है, ये बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और इसका पता हमारे अर्थ के ऑर्बिट के खिसकने के कारण पता चला था। तो दोस्तों, आखिरकार अर्थ की ऑर्बिट क्यों खिसकी थी, तो इसी वजह से इसको कंसीडर करते हुए जब इसकी स्टडी चालू की गई तो हमें पता लगा कि हमारे ग्रेविटेशनल पुल के बाहर भी कोई एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है जो कि अर्थ को समेत खींच रहा है, और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को। तो दोस्तों, ऐसा ग्रेविटेशनल पुल किसी ब्लैक होल का हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा एक ब्लैक होल मात्र हमारे गैलेक्सी में सजिटेरियस ए है, और इसी को जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि इसका रोटेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों, इसी वजह से ये बेहद ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन अब ये स्टडी ही है और एक नेचर जर्नल में छपा हुआ आर्टिकल है, ना कि हमें इसे पूरा कंसिडर करके इसे सच मान लेना चाहिए। और इसके ऊपर जो स्टडी चल रही है उसमें नई अपडेट आती है तो मैं आप सबको दूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। और जो सीखने को मिला हो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें बताएं, हमें मोटिवेशन मिलता है।